नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज अपन बात करेंगे रीट एग्जाम के बारे में। तो मैं पहले आपको बता दूं, मैं देवीलाल प्रतापक संस्कार कोचिंग एकेडमी डायरेक्टर। तो आज अपन बात करते हैं रीट एग्जाम के लिए 26वां विद्यार्थी ने तो एग्जाम सेंटर पे क्या कुछ हुआ, एग्जाम सेंटर विद्यार्थी किस प्रकार से पहुंचे, क्या कुछ उनके साथ घटनाएं घटी, इस विषय के बारे में आज सब आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज लेके आए हूँ। क्यों विद्यार्थियों के साथ, भविष्य के साथ, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा, सरकार क्या कर रही है, आज इसी मुद्दों पे अपन अहम बात करेंगे। जैसे बात करें तो पहले ऐसा ही एग्जाम था, उनमें भी बहुत बड़ी न्यूज आई थी, बहुत बड़ी गफलत हुई थी। आज वैसे ही इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी रीट एग्जाम में ऐसा क्यों हुआ, विद्यार्थियों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है सरकार, विद्यार्थियों के साथ ही पर साल और जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे रीट एग्जाम है जो कंटिन्यू, जैसे रीट एग्जाम की बात करें, 3 साल के बाद एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद जैसे मान लो किसी 2017 में किसी ने एग्जाम दिया था, उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो किसी कारण से अच्छी तैयारी कर रहा था, उसके बावजूद अब जब एग्जाम इतने लेट करवाए, इतने तो एग्जाम डिले करवाए, डिले करवाने के बाद जब सरकार एग्जाम करवाती है कड़ी सुरक्षा के बीच, उसके बावजूद भी जिस दिन एग्जाम होता है उससे पहले रात को न्यूज आती है कि 10 लाख में पेपर बिक रहा है, पेपर ले लो, सरकार रजिस्ट करती है कुछ को, कुछ ऐसे हैं दूसरे दिन जिन सेंटर लेट भी बंद किया जाता है, लेकिन कुछ दूसरे दिन ऐसे सेंटर वहाँ होते हैं जहाँ पेपर पहले आ जाता है, कहीं को पेपर नहीं देता है, किसी की फॉर्म मार्कशीट को दूसरा भर रहा है, पता नहीं सरकार क्या कर रही है। नहीं नहीं है, हमें टाइम से असूचित रखा जाता है, हम पूछे 10:30 बज गए पेपर कब आएगा, 11:15 बज गए पेपर कब आएगा, कोई भी नहीं बोल रहा है। और उधर पेपर करवाए जाते हैं राजस्थान जीके की, जो गाइड है उनका इस सेंटर पे क्या मतलब है, उनसे बुक्स दे रखी है कमरे में, और बच्चे एक लड़की का पेपर लड़ा हुआ, लड़का सॉल्व कर रहा है, हम क्या करें, हमारा तो भविष्य फ्यूचर हो क्या, ना तो सरकार सुनती है ना कोई मीडिया सुनता है। किसी सेंटर पे पेपर भी नहीं दिए गए, तो उन विद्यार्थियों से ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आप देखते हैं पूरे दिन भर में क्या कुछ हुआ। तो सबसे पहले न्यूज आती है बीकानेर है, उस संभाग में आज एग्जाम चल रहा था, तो बीकानेर में जब एग्जाम सेंटर हुआ तो वहाँ कुछ स्टूडेंट डाल के लेने गए, तो बात करते हैं वो विद्यार्थी कहाँ के थे, तो वो विद्यार्थी चूरू के राजेंद्र के बताए जा रहे हैं, चूरू के राजेंद्र की विद्यार्थी है जो चप्पल में डिवाइस डाल के लेके गए और एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने पहुंच गए। उसके साथ ही बात करते हैं तो कितने स्टूडेंट थे, तो बात करें तो चूरू के राजेंद्र में 3 स्टूडेंट बताए जा रहे हैं जो चप्पल में डिवाइस डाल के लेके चले गए। तो आप देखो वो किस प्रकार से नकल करने के लिए क्या क्या बड़ी खबर मिल रही है, रीट परीक्षा में चप्पल से नकल करने की कोशिश की गई है, बड़ी खबर इस वक्त बीकानेर से सामने आ रही है। देखिए चप्पल से नकल करने की कोशिश, जब कोई और तरीका नहीं मिला तो अभ्यर्थियों ने चप्पल से ही नकल करने की कोशिश यहां पर की है। 3 युवकों को पुलिस ने इस कार्रवाई के तहत गिरफ्तार कर लिया है, चूरू के, राजल देसर के, ये 3 युवक बताए जा रहे हैं। चप्पलों में डिवाइस लगाकर स्टूडेंट्स को दिया गया है, कितने बच्चे ले गए परीक्षा केंद्रों पर चप्पल, इस बात की पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। और देखिए ये साधनों का प्रयोग करते हैं, इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी चप्पल में डिवाइस लेना और एग्जाम सेंटर में बैठना, पता नहीं सरकार की आंखों में किस प्रकार से लोग है, जो विद्यार्थी है वो क्या कुछ कर रहे हैं, वो सरकार है जो विद्यार्थियों के साथ क्या कुछ कर रही है। काफी स्टूडेंट थे जिन्होंने ईमानदारी से कड़ी सुरक्षा के बीच पेपर देके पेपर अच्छा हुआ होता, लेकिन अब पता नहीं सरकार क्या करेगी इस रीट एग्जाम को लेके। अब आप देखते हो काफी सेंटर पे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने हंगामा किया, क्यों किया हंगामा, इसके पीछे कुछ राज है। वो राज ये है कि काफी सेंटर पे बहुत बड़ी कफरत देखने को मिली, कफरत में यह हुआ कि वहाँ पे जो पेपर थे वो उनकी सील खुली हुई थी, और काफी सेंटर पे सील खुली होने के वजह से नाराज हो गए विद्यार्थी, और उन्होंने पेपर देने से मना कर दिया और हंगामा खड़ा कर दिया। कुछ नहीं, वो देख रहे हैं, बस हमें देख रहे हैं, हमारे पापा पता नहीं कैसे कैसे कमाते हैं हमारे लिए, हमने 5-6 हजार रुपए की गाड़ी करी थी, कुछ नहीं होगा हमारा, सब बच्चे ऐसे हो गए, एक दो लोगों के लिए और ये प्रशासन के लिए सब कुछ जीवन बर्बाद हो गया, 3 साल से पहले पेपर नहीं हो रहे, क्या करेंगे हम, कुछ भी नहीं है, सारे कॉलेज वाले भीगे हुए हैं, इतने सारे स्टाफ लगे हुए हैं, अगर एक बच्चे के ऊपर भी एक भी इंसान खड़ा रहे। काफी स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन में भी, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, काफी स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर छोड़ के बाहर आए, और काफी जो विद्यार्थी एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने के लिए जो गार्जियन और अभिभावक गए थे वो भी उनके साथ और विद्यार्थियों के साथ एकजुट होकर धरना किया। लेकिन जब भी बात आती है पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन ने क्या किया, लाठीचार्ज किया उन विद्यार्थियों के, और उन विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के बजाय उन्हें लाठियों से पीट के भगाया गया। तो वो आप देखते रहे किस प्रकार से कार्यक्रम चला पूरा दिन, प्रकार रीट एग्जाम विद्यार्थियों के साथ क्या कुछ हो रहा है, आज अपन इस विस्तार से इस चीजों को देखेंगे।
विद्यार्थी एग्जाम देने पहुंचते हैं वहां उनके साथ क्या कुछ घटनाक्रम होता है, किस प्रकार से ये रहता है। अब बात करते हैं जब तिलक पीजी कॉलेज में स्टूडेंट्स जब एग्जाम देने वहां पहुंचे तो वहां किस प्रकार की गड़बड़ हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले वहां ये बात की काफी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम दे रहे थे, तो कई स्टूडेंट्स हैं जब वहां जीके के आंसर वगैरह लेके गए थे, जीके वहां से वो अपने आप देख के कर रहे थे। कई स्टूडेंट्स थे जो लड़की की जगह लड़का मार्कशीट बना था, कई जगह ऐसा बात की कही ये है कि लड़के की मार्कशीट है वो लड़की बन रही है, काफी जगह पे ये हो रखा था कि पेपर की सील खुली हुई थी। और दूसरी बात ये बात करें तो काफी को टीचर्स बता रहे थे किस प्रकार का आज का घटनाक्रम रहा रीट विद्यार्थियों के लिए, और भी काफी ऐसे ऐसे इफेक्ट थे जो आपको कंटिन्यू हम दिखा रहे हैं। आप विस्तार से इस न्यूज को देखते रहे और कमेंट के माध्यम से बताएं कैसे देंगे ये बच्चे पेपर। ये भाई पेपर नहीं मिला क्या? भाई पेपर नहीं मिला ना, पेपर नहीं मिला। देखो क्या बोल रहे हैं, पेपर नहीं मिला इनको अभी तक। पेपर यही कारण था कि नेट बंद करने का, यही कारण है क्या? जहाँ पीजी कॉलेज की बात आती है तो वहाँ पुलिस प्रशासन ने अनाउंस किया कि जो फर्स्ट पारी का जो फर्स्ट पेपर था वो दोबारा कराया जाएगा, और सेकंड पारी का जो पेपर था वो सही से हुआ, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो फर्स्ट पारी का पेपर था उसे दोबारा कराने का पुलिस प्रशासन बोल रही है। छात्र जो है पेपर नहीं दे पाए तो पहला पेपर दोबारा करवाया जाएगा और सेकंड पेपर जो है वो पूर्ववत चलेगा सभी छात्रों के लिए। सभी छात्रों को यहाँ पे माइक से उद्घोषित कर दिया गया है, सेकंड पेपर पूर्ववत रहेगा, आगे अपना एग्जाम। अब आगे की जानकारी मैं नहीं बताऊंगा, आपको जनता बताएगी, और जो भी रीट विद्यार्थी थे वो आगे की पूरी डिटेल से आपको जानकारी देंगे। क्या हो गया इन बच्चों का? चार चार साल के बाद भी ये कर रहे हो, कैसी सरकार है ये? ये सरकार राजस्थान सरकार का सरकार एक ही सरकार नहीं, एक ही सरकार। अरे निकल बाहर, ये क्या सरकार, क्या कौन है ये, कौन है ये, ले ले इसको बाहर, कौन है ये, है कौन? इसको मत मार, कारण क्या भाई आप बताओ, मैं कारण क्यों ले रहा हूँ, कारण क्या? अरे ड्यूटी कैसे, कारण क्या है भाई आपका, कारण क्या है, कारण क्या पेपर नहीं आने का, ये बता दो आप, कारण क्या है आपका? पांच पांच मिनट लेट करने का कारण क्या है सर? पेपर क्यों नहीं आया सर, इतना बता दो हमें, पेपर क्यों नहीं आया सर? सर पेपर क्यों नहीं आया? तो उनको तो आप बचा रहे हो सर, पूछे कैसे? अरे स्कूल पर से, ये कॉलेज पर सर, सर कॉलेज पर सर है ना, वो सर का है, कॉलेज पर सर मैडम, वो सर का है। मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड पारी का पेपर अभी होगा,
दोबारा नहीं होगा। फर्स्ट तारीख का पेपर हम दोबारा करवा देंगे आपको, नया पेपर आ जाएगा। जो बच्चे पेपर देना चाहते हैं वो अंदर आ जाए, अपने बता दो। जो बच्चे पेपर देना चाहते हैं वो आके हमें आ जाए, अंदर बता दो। और जो नहीं देना चाहते हैं सेकंड तारीख का पेपर, वो अपना भविष्य खराब नहीं करें। पेपर दे सभी बच्चे, फिर भी किसी को फिर भी आपत्ति है तो वार्ता करनी है तो मैं यही हूँ, आके वार्ता कर ले। मैं वार्ता के लिए तैयार हूँ आपके साथ। ये जो बच्चे तैयारी करके नहीं आ रहे उनके लिए आप अपना भविष्य खराब नहीं करें। मैं बच्चों को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, उनके भविष्य को ध्यान में रखें। उनके अभिभावक बड़ी मुश्किल से पैसे लगा के उनकी कोचिंग कराते हैं, तैयारी कराते हैं, कुछ बच्चों के लिए अपने भविष्य को खराब नहीं करें। जो बच्चे सेकंड बारी में पेपर देना चाहते हैं वो आ जाए, हम पेपर लेंगे सबके। मैं खुद भी यही हूँ, ऐसी बात नहीं है, सभी लोग हैं। आप निश्चित हो गए फर्स्ट पारी का पेपर आज तुम्हारे करवाएंगे, किसी को नहीं है। तो बात करते हैं साथियों, क्या पेपर दोबारा होना चाहिए, क्या विद्यार्थियों के साथ सरकार ने गफलत अपनी की है, क्या विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं हुआ, इसके बारे में आप हमें जरूर बताना। और आपसे रिक्वेस्ट है एक एक दफा इस वीडियो को जरूर शेयर करना, एक एक दफा इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और इसके बारे में जरूर बताना कि ये न्याय है या अन्याय। सॉरी सरकार अभी तक क्या कर रही है।